नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। नमस्कार, मैं राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी हरमुल चौक से लेकर अरगोड़ा चौक तक मानव श्रृंखला बनाई। मौके पर चंदन कियारी विधायक अमर कुमार बाउरी ने कहा कि जिस तरह से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की है, उससे उनकी नीयत का पता चलता है। जिस जगह पर प्रधानमंत्री को रोक कर रखा गया, वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर महज 10 किलोमीटर दूर था। और भारत के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुए हैं जिसमें प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज पूरे विश्व में है, ऐसे में कई देश उनके दुश्मन भी हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। आज के कार्यक्रम में सांसद संजय सेठ, नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी, मेयर आशा लकड़ा, रांची विधायक सीपी सिंह, हडिया विधायक नवीन जायसवाल, विधायक चंदन कियारी, अमर कुमार बाउरी सहित कई पद अधिकारी एवं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। बयान दे रहे हैं जो सार्वजनिक सुनाई दे रहा है, व्हाट्सएप में सारे कुछ दिखाई दे रहे हैं, उसे तो लगता है कि कोई चूक नहीं टाइप कर जाती। बीजेपी इसको लेकर कितना आगे तक जाएगी इस विरोध को लेकर? देखिए, हमको देश की जनता जान कांग्रेस पार्टी की प्रकार से लोकतंत्र की हत्या पर उतार देते हैं, और जिस ढंग से उन्होंने वोटिंग है तो चूक नहीं कर सकते, षडयंत्र साजिश कर सकते, चूक तो छोटा मोटा हो सकता है, कहीं कोई एक अवसर चूक कर सकते हैं। क्योंकि प्रोटोकॉल के साथ उस समय चुनाव की भी घोषणा हुई थी, सरकारी प्रोग्राम में वो जा रहे थे, तो प्रोटोकॉल के साथ वो हवाई अड्डा में राज्य के मुख्यमंत्री जाते हैं, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं स्वागत के लिए, लेकिन कहीं कोई स्टे नहीं। और जब रूट बदलता है और उसके बाद जो घटनाएं घटती हैं, जो पूरी दुनिया देखा, उसके बाद जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी के लीडर या पंजाब के मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं, उससे तो बिल्कुल साफ है एक साजिश था, एक षडयंत्र था। ये तो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा से लगे कि वहाँ से सुरक्षित निकल आ सकता था, मिसाइल आ सकती थी, ये पूरी तरह मारने की साजिश थी, हत्या करने की साजिश थी। और इस हत्या करने की साजिश के जुर्म में वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के डीजीपी और वहाँ के एसपी को तुरंत देशद्रोह का मुकदमा चलाकर गिरफ्तार करना। फ्लाईओवर में नरेंद्र भाई मोदी 20 मिनट तक रुके, उसके अगल बगल नहीं भी किसी तरह का कोई व्यक्ति। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।